तो गाइज यार फाइनली मैं आप लोगों के लिए मार्च मंथ का भुया पास लेके आ चुका हूँ। जी हाँ गाइज यार, मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो डालूं लगभग एक से दो कमेंट तो आते ही थे कि भाई हमारे गेम के अंदर मार्च मंथ का भुया पास कैसा आएगा, रिव्यू करवा दो। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों को मार्च मंथ के भुया पास का रिव्यू करवा ही दूं। तो गाइज यार आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग आज की वीडियो को पूरा ध्यान से देखो। आज मैं आप लोगों को मार्च मंथ के भुया पास का कम्प्लीट रिव्यू करवाने वाला हूँ। फिर गाइज यार इतना ही नहीं, आप लोग में से बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे कि यार हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट फेडेड व्हील कौन सा आएगा, इसीलिए तो गाइज यार आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट फेडेड व्हील का भी रिव्यू करवाऊंगा। भाई सच में यार एक तरीके से देखा जाए तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो इसलिए गाइज यार आज के वीडियो को आप सभी लोग पूरा ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखना। आज के वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो चलो गाइज यार फिलहाल हम लोग बिना किसी फालतू टाइम को वेस्ट करे हुए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले मार्च मंथ के भुया पास के बारे में। जी हाँ गाइज यार, अभी आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो आप लोग स्क्रीन में भुया पास देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को बता दूं यही हमारे गेम के अंदर आने वाला मार्च मंथ का भुया पास। यहाँ पर गाइज यार हम लोगों को इस भुया पास के लेवल 1 के अंदर एक बहुत ही कमाल का M79 लॉन्चर का स्किन मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे हो यार, ये सच में बहुत कमाल का स्किन है। बाकी तो गाइज यार हम लोगों को इस M79 लॉन्चर के स्किन के बाद यहाँ पर इस भुया पास के लेवल 10 के अंदर एक बहुत ही कमाल का साउ बोर्ड मिल रहा है। साथ ही साथ गाइज यार यहाँ पर एक मोशन ट्रक का स्किन भी अवेलेबल है। एंड गाइज यार अगर हम लोग इस मोशन ट्रक के स्किन की बात करें तो यार ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग खुद ही देखो, जो इसका कलर है, उसके ऊपर डिजाइन है, सब कुछ एक नंबर लग रहा है। उम्मीद है गाइज आप लोगों को ये पसंद आया होगा। बाकी तो गाइज यार अभी आप लोग इस भुया पास के लेवल 20 के अंदर देखो, यहाँ पर गाइज यार जो बहुत ही कमाल कमाल के बैनर अवेलेबल है। फिर गाइज यार हम लोगों को यहाँ पर इस भुया पास के लेवल 30 के अंदर से एक M79 लॉन्चर का स्किन मिल रहा है। साथ ही साथ गाइज यार यहाँ पर एक लूट बॉक्स भी अवेलेबल है। एंड भाई सच में यार ये लूट बॉक्स भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग देखो जो इसके ऊपर से अफेक्ट आ रहा है, साथ ही साथ जो इसका कलर है, इसका डिजाइन है, सब कुछ एक नंबर है। उम्मीद करता हूँ गाइज यार आप लोगों को भी ये बहुत ही कमाल का लूट बॉक्स पसंद आया होगा। बाकी तो गाइज यार हम लोगों को इस लूट बॉक्स के बाद इस भुया पास के लेवल 40 के अंदर तो बहुत ही कमाल कमाल के अवतार मिल रहे हैं। जी हाँ गाइज यार, पहले हम लोगों को दो बैनर मिले थे और अभी अवतार। बाकी तो गाइज यार हम लोगों को इन दोनों के बाद यहाँ पर इस भुया पास के लेवल 50 के अंदर एक फीमेल बंडल देखने को मिल रहा है। और गाइज यार अगर हम लोग इस फीमेल बंडल की बात करें तो सच में यार ये फीमेल बंडल बहुत ज्यादा सही लग रहा है। जी हाँ गाइज यार, मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं गेम के अंदर फीमेल कैरेक्टर को यूज नहीं करता हूँ, इसी तो गाइज यार मुझे नॉर्मली कोई फीमेल बंडल पसंद भी नहीं आता है। बट यार पता नहीं क्यों मुझे फीमेल बंडल बहुत सही लगा। उम्मीद है गाइज यार मैंने इसकी इतनी तारीफ कर रखी है तो आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा। फिर गाइज यार इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इस भुया पास के लेवल 60 के अंदर डायमंड रॉयल वाउचर और वापस से M79 लॉन्चर का स्किन मिल रहा है। देन गाइज यार इसके बाद इस भुया पास के लेवल 70 के अंदर वापस से लॉन्चर का स्किन है। साथ ही साथ गाइज यार यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही ओपी सा साउ बोर्ड भी देखने को मिल रहा है। आप लोग खुद ही देखो यार ये साउ बोर्ड लेजेंडरी और इसका कलर वगैरह भी सब कुछ एक नंबर है। बाकी तो गाइज यार अभी आप लोग इस भुया पास के अंदर अवेलेबल ये कमाल का ग्रेनेड देखो। मैं आप लोगों को बताऊं तो गाइज यार ये ग्रेनेड का स्किन भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर गाइज यार हम लोगों को इसके बाद इस भुया पास के लेवल 90 के अंदर लॉन्चर के स्किन के साथ साथ एक बहुत ही ओपी सा बैकपैक भी मिल रहा है। भाई सच में यार आप लोग खुद ही स्क्रीन में देखो ये बैकपैक कितना ज्यादा कमाल का लग रहा है। इसके ऊपर से जो अफेक्ट आ रहा है, जो इसका डिजाइन है, सब कुछ एक नंबर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। बाकी तो गाइज यार इसके बाद हम लोगों को इस भुया पास के लेवल 100 के अंदर एक मेल बंडल देखने को मिल रहा है। और गाइज यार इस भुया पास के अंदर अवेलेबल हर एक आइटम की तरह ये मेल बंडल भी बहुत बहुत ओपी लग रहा है। आप लोग खुद ही देखो यार एकदम यूनिक सा बंडल है। जी हाँ गाइज यार ब्लू कलर का है और इसके ऊपर से जो अफेक्ट वगैरह आ रहे हैं वो भी काफी ज्यादा शानदार लग रहे हैं। और यार आप लोगों को एक बात तो पता ही होगी, अभी जो हमारे गेम के अंदर भुया पास के बंडल आते हैं वो कुछ स्पेशल बंडल रहते हैं, यानी कि गाइज यार हम लोगों को बंडल के डिफरेंट डिफरेंट कलर, उसके स्पेशल अफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जो कि गाइज यार हम लोगों को अलग से क्रेट्स के अंदर से मिलते हैं। जी हाँ गाइज यार आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में मैंने इस बंडल की क्रेट को एरो करके भी दिखा दिया। बाकी तो गाइज यार अभी आप लोग इस भुया पास के लेवल 100 के बाद का सफर देखो। यहाँ पर गाइज यार हम लोगों को इस भुया पास के लेवल 130 के अंदर एक बहुत ही कमाल का लेजेंडरी साइथ का स्किन मिल रहा है, जो कि यार सच में बहुत बहुत सही लग रहा है। उम्मीद करता हूँ गाइज यार आप लोगों को भी ये साइथ का स्किन पसंद आया होगा। बाकी तो गाइज यार हम लोगों को यहाँ पर साइथ की स्किन के साथ साथ लॉन्चर का भी स्किन मिल रहा है। फिर गाइज यार इन दोनों के बाद इस भुया पास के लेवल 140 के अंदर हम लोगों को ग्लू वॉल का स्किन देखने को मिल रहा है, जो की बहुत ज्यादा अच्छा है। आप लोग खुद ही देखो यार ये ग्लू वॉल का स्किन कितना ज्यादा भयंकर सा लग रहा है, एकदम मस्त सा। बाकी तो गाइज यार हम लोगों को यहाँ पर भी लॉन्चर का स्किन मिल रहा है। और गाइज मैं आप लोगों को बताऊं तो फाइनली यार हम लोगों को इस भुया पास के लेवल 150 के अंदर ये लॉन्चर का स्किन परमानेंट मिल रहा है। साथ ही साथ गाइज यार हम लोगों को यहाँ पर इस भुया पास के लेवल 150 के अंदर ही इस भुया पास के बंडल की क्रेट भी देखने को मिल रही है, जिसके अंदर इसके डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल अफेक्ट, इसके स्पेशल कलर्स अवेलेबल
नॉर्मल है। बाकी गाइजर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा जो भुया पास है वो समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ गाइजर आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च के भुया पास का रिव्यू पसंद आया होगा। और गाइजर अभी मैं आप लोगों से रोज की तरह एक सवाल पूछता हूँ। देखो गाइजर ये जो मैंने आप लोगों को भी मार्च मंथ के भुया पास का रिव्यू करवा रखा है, आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों को ये वाला मार्च मंथ का भुया पास पसंद आया या फिर जो अभी के टाइम पे हमारे गेम के अंदर फरवरी मंथ का भुया पास अवेलेबल है आप लोगों को वो ज्यादा पसंद है। भाई अगर मैं आप लोगों को अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दूं यार मुझे तो मार्च मंथ का भुया पास ज्यादा पसंद आ रखा है। अब यार आप लोगों को जो पसंद है वो तो मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ ही लूंगा। और हाँ गाइज यार अगर आप लोगों को याद होगा तो गाइज मैंने आज आप लोगों से बोला था कि मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट फिटेड व्हील का भी रिव्यू करवाऊंगा, तो इसलिए गाइज यार आप लोग अभी स्क्रीन में ध्यान से देखो मैं आप लोगों को बता दूं गाइज यार यही है हमारे गेम के अंदर आने वाला नया फिटेड व्हील। यहाँ पर गाइज यार सबसे पहले तो हम लोगों को एक बहुत ही कमाल का होली स्पेशल बंडल देखने को मिल रहा है। भाई सच में यार सभी ने सोचा था कि हम लोगों को ये वाला बंडल फ्री मिलेगा, बट गाइज यार ये तो हम लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट फिटेड व्हील में मिलने वाला है। बाकी तो गाइज यार अगर हम लोग इस बंडल की बात करें तो गाइज यार मुझे तो ये बंडल ठीक ठाक ही लगा, ना ये बहुत ज्यादा अच्छा और ना ही ये बहुत ज्यादा बेकार है, बिल्कुल मीडियम मीडियम सा है। बाकी तो गाइज यार हम लोगों को इसी फिटेड व्हील के अंदर एक ग्लू वॉल का स्किन भी देखने को मिल रहा है और गाइज यार ये ग्लू वॉल का स्किन भी काफी एवरेज है। आप लोग देख सकते हो ना तो इसके ऊपर कोई स्पेशल इफेक्ट वगैरह है, बस नॉर्मल सा थीम स्किन है। होप करता हूं गाइस आप लोगों के ग्लू वॉल का स्किन जो मैंने आप लोगों को फिटेड व्हील में बंडल दिखा आप लोगों को दोनों आइटम पसंद आए होंगे। बाकी गाइस यार मैं आप लोगों को बताऊं तो फिलहाल मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट फिटेड व्हील का भी रिव्यू करवा दिया है जो कि हमारे गेम के अंदर मार्च की 5 तारीख को आने वाला है। इसलिए गाइस यार होप करता हूं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाला फिटेड व्हील, ओवरऑल आज की वीडियो मैंने आप लोगों को जितने भी अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स के बारे में बताया आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। बाकी तो गाइस यार क्योंकि फिलहाल आज की वीडियो में हमारे पास इतने ही अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन था, इसलिए गाइस यार हम लोग आज के इस कमाल के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में नई नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।